हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। देखिए, आज हमारे पास एक है टपारिया का जो कि डिजिटल टेस्टर है, और एक है जो कि लोकल मेड होता है। वैसे इसमें कोई कंपनी तो लिखा नहीं, मुझे 10 रुपये का मिला था ऑफलाइन मार्केट में। तो इसमें दोस्तों दोनों में क्या अंतर होता है आप लोग तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए। दरअसल पूरा वीडियो मेरा इसी पर डिपेंडेड है, और ये तो मैं सिर्फ एक बताने के लिए लिया हूँ कि ये भी इसी टाइप का वर्क करता है, लेकिन पूरा वीडियो मैं इसी पर बनाने वाला हूँ। इसको खोल कर भी दिखाऊंगा, और इसमें कौन सी बैटरी लगती है, कितने दिन तक चलती है, और कितना आपके काम के लायक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो कितना काम के लायक है, इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप वर्क करते हैं तो आपके काम का है या नहीं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो चीज़ें हैं दो यहां पर, ये कैसा वर्क करती हैं, ये लोहे की बनी होती हैं या किस चीज़ की, प्लास्टिक की, रबड़ की, किस टाइप की हैं, सब कुछ आज मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। पहले यहां पर देखिए, ये वाला टेस्टर है जो कि ऑफलाइन में आपको ऑफलाइन मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। यहां पर आपको ध्यान से देखिए दिख रहा होगा, जो कि एक स्प्रिंग है, इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और एक नियॉन बल्ब है जिसके अंदर नियॉन गैस भरी होती है, हो सकता है इसीलिए इसका नाम नियॉन बल्ब इसे कहते हैं। और यहाँ से एक वायर ऐसे कनेक्टेड है, यानी कि एक वायर आपका सीधा टच हो जाता है, एक वायर रेजिस्टेंस है आपका ग्राउंड टच होता है, जिससे ये एलईडी ग्लो करती है। तो आपको मालूम होता है कि इसमें फेज है, इसमें न्यूट्रल है। फेज वाला थोड़ा अधिक ग्लो करता है और न्यूट्रल वाला कम ग्लो करता है। अगर लोड अगर ज़्यादा चल रहा होगा तो न्यूट्रल फेज लगभग दोनों आपको सेम रहेंगे, वायरिंग में भी प्रॉब्लम होगी तो भी सेम ही आपको दिखाएंगे। ये MDT 81 मॉडल है, तो इसमें आपको नियॉन बल्ब नहीं मिलता है। इसका जो दूसरा वर्जन है, जो कि न्यू वर्जन है, तो उसमें आपको एक नियॉन बल्ब मिलता है। तो चलिए, ये मेरे पास पुराना फेंका हुआ था, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, और ये डिस्प्ले वगैरह है तो किस टाइप को आपको रीड करना है इसका डिस्प्ले। तो सबसे पहले मैं इसे खोल चुका हूँ, काफ़ी दिनों से ख़राब था, क्योंकि मैं इसे एक बार अगर आप इसे खोल देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से सही से फिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप खोलिए मत, पहले मेरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर खोलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको पहले खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसके पीछे लॉक किया गया रहता है, जो कि फेविकिक वगैरह से लॉक किए रहते हैं। तो आप इसे खोल दीजिए, देखिए इस टाइप का इसमें लॉक होता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें बैटरी कौन सी लगी होती है, कि कितने दिन तक चलने वाली बैटरी। तो चलिए हम इसको खोल देते हैं। फिलहाल मैं खोल चुका हूँ, खोलने के बाद मैं इसे फिर से रिपेयर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, इसमें तो दोस्तों कुछ भी नहीं मिला। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें। इसमें देखिए, एक छोटा सा रबर का पार्ट है, इसे भी आप रख दीजिए साइड में। और यहाँ पर देखिए, ये है किट, और इसमें दोस्तों ये जो दो चीज़ें देख रहे हैं आपको टच करने के लिए काम में आती हैं, टच बटन हैं दोनों। और यहाँ पर देखिए, तो ये वाला आपका डिस्प्ले है, और बात करें तो ये किट है। किट को आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसमें कहीं भी आपको बैटरी नहीं मिलेगी। अब आप लोग कहोगे कि वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों ये वर्क आपके बाड़े से चार्ज एक लेता है, और एक चार्ज तो आपको वैसे ही मिल जाता है जहाँ कि आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चेक करने जाएंगे। अपने बाड़े में भी इसे रगड़ कर देखेंगे तो स्टैटिक चार्ज बताएगा। तो आप लोग किट को देख लीजिए क्लियरली, इसमें कितने मेगा ओम के रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी पुश बटन वगैरह नहीं दिया गया है, सिर्फ डिस्प्ले का है, और यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस सारे बताए गए हैं। तो चलिए, अब हम इसको आपको चेक करके एक बात और बता देते हैं कि ये वाले जो चीज़ें होती हैं, ये जो बटन्स होता है, इसको आप लोग नहीं जानते होंगे। ये वाला जो बटन्स होता है दोस्तों, ये न तो पूरा मेटेलिक होता है, न तो ये पूरा रबर का होता है, दोनों मिक्सचर होता होगा। इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, सिर्फ मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको आपको मीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा कि इस बटन में कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि दोस्तों ये मेटेलिक पूरा नहीं है, पूरा रबर नहीं है, तभी तो ये आपको, अगर पूरा रबर होगा तो टच करेगा नहीं, टच सेंसर काम करेगा नहीं इसलिए, और पूरा मेटल होगा तो आपको करंट का झटका लग सकता है। तो इसलिए पूरा इसको ना मेटल बनाया गया है ना तो रबर, तो इसमें दोनों मिक्सचर किया गया है, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो इसमें रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए मैं इसको मीटर से चेक करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस। देखिए अभी देखिए, ऑटो मोड में है, हमें इसमें पता नहीं है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है, तो इसलिए मैं ऑटोमेटिक मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर का यूज कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं इसे आपको चेक कैसे करना है, जैसे आपको पहले ऊपर के साइड टच करना है और एक नीचे के साइड टच करना है, तो खुद ही आपका पता चल जाएगा कि ये कितना इसमें रेजिस्टेंस है। तो देखिए, मैं अपने हैंड को इसमें नहीं लगा रहा हूँ, फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि दोनों चीज़ें क्लियर विजिबल हो पाएँ। देखिए दोस्त, ये दोस्तों न तो पूरा मेटेलिक है न तो पूरा रबर है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और पूरा रबर भी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, इस वाले में भी कुछ न कुछ आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे, और रेजिस्टेंस की फ्लक्चुएशन इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि ये पूरा तो मेटेलिक है नहीं, जो कि आपका पूरा वायर आपका टच हो जाएगा तो ये पूरा मेटल काम करेगा, तो इसलिए इसमें रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट हो। इसमें तो मुझे इसमें एक प्रॉब्लम और देखिए कि ये क्या चीज़ है, मैं इसको यहाँ पर देखिए, जैसे
यहाँ पर एक कनेक्ट करने के लिए था, तो मैं सोच रहा था कि ये जो लोहे का ये जो राड आया है आगे से, तो हो सकता है इसी में से कनेक्ट करने के लिए हो। बार बार मैं इसी पे कनेक्ट कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि इसकी कोई चीज़ निकल के गिर तो नहीं गई। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक रबर का पार्ट एक और दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा पार्ट है जिस पर कि लोहे वाला पार्ट रखा गया है, ये रबर का पार्ट है। सेम जैसे यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस का काम करती हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है जो कि रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर इस पर भी चेक करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा, तो यही मैं समझ नहीं पा रहा था। तो इसलिए अगर आप लोग इसे एक बार खोल लीजिए तो इसके बाद इसे सही से फिक्स करिए, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। और इसे फिक्स करिए तो ये वाला जो पूरा इसका बैक, जो इसका बैक पोर्शन है पूरा बंद होना चाहिए। और इसमें एक बार इसे खोलेंगे तो इसके सील वगैरह टूट जाती हैं, तो इसलिए इसमें फेविकिक वगैरह का यूज़ आप कर सकते हैं लगाने के लिए। तो चलिए पहले मैं इसे पूरा असेंबल करता हूँ कि असेंबल पहले कैसे करना है। तो इन सभी जो बटन से इसको पहले लगाना होता है, ये छोटा सा जो रबर दिया गया है इसका मेन काम यही है कि आपके आपका जो डिस्प्ले जो पीसीबी पर ऐसे रखा जाता है तो ये काम करता है आपका। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले से हल्का सा ऊंचा है, तो आप डिस्प्ले के इस साइड आप ऐसे इसे रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका डिस्प्ले दबेगा नहीं, ये इसी के लिए होता है। तो ये जो है ये दोस्त होता है इस वाले रेजिस्टेंस के बीच में, आप इसे ऐसे रख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने इसे पूरा असेंबल कर लिया है। अब असेंबल करने के बाद दोस्तों आप इस पर फेविकिक वगैरह लगा दीजिएगा, फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं इस पर लगा देता। और ये आपका फिक्स हो जाएगा, इसको फिर खोलना नहीं है, नहीं तो अगर बार बार आप खोलेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और ये जो दोनों बटन है इसको प्रेस नहीं करना है, ये टच सेंसिटिव बटन है, आपको सिर्फ इस पर टच करना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें वोल्टेज है तो चलिए देखते हैं वर्क कैसे करता है। तो वायर के बाहर ऐसे आप इसे अगर टच करेंगे तो थोड़ा बताएगा आपको, एक इंडिकेशन की तरह देगा हल्का सा। और अगर इस ये दूसरा वाला जो ऊपर वाला है अगर इसमें आप ऐसे टच करते हैं तो आपको दिखाता है एक वोल्टेज लिमिट, बस आपको दिखाता है कि हमारी वोल्टेज लिमिट कितनी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला न्यूट्रल है क्योंकि इसमें कम वोल्टेज दिखा रहा है, और इस साइड वाला फेज है तो इसमें देखिए ज़्यादा 220 को भी हाईलाइट हल्का कर रहा है। तो 220 के अंदर रहेगा तो आपको 110 वोल्ट शो करेगा, 220 के जब ऊपर जाएगा वोल्टेज तो ये आपको 220 काम का चीज़ है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन के पास ये होना चाहिए। देखिए ये क्या काम करता है ना, एक NCV का काम करता है। जैसे इस मीटर में मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो NCV का मोड हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए फेज आ रहा है तो देखिए NCV का काम करेगा। यहाँ देखिए न्यूट्रल है तो उतना नहीं बताएगा लेकिन फेज पर आपको NCV काम करेगा। तो इसी टाइप का अगर इसे आप देखेंगे तो ये भी वही उसी टाइप का काम करता है, क्योंकि इसमें कोई बीप वगैरह नहीं है, लेकिन ये आपको इतना तो बता देता है कि हाँ इसमें करंट आ रहा है। और इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है, सिर्फ आपकी जो बॉडी होती है उसका सिर्फ चार्ज लेता है, और ये जो आपका जो बिजली वगैरह चेक करते हैं उसका चार्ज लेता है। बस दोनों को मिलाकर आपको डिस्प्ले पर शो करता है। इसमें मैंने आपको किट भी दिखा दिया कि कोई इसमें खास बहुत चीज़ें नहीं हैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का इसमें काम नहीं है, लेकिन जो ये बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही इसमें दिमाग लगाकर, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप लोग चाहे तो इसे खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, लगभग 100-150 के आसपास मिल जाता है। मैं तो इसे 80 रुपये में ख़रीदा था और 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लेके 120 हो गया था, तो कोई बात नहीं है, आप लोग भी इसे सस्ते में खरीद सकते हैं, ऑफर वगैरह चल रहा है इस समय, लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।